हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग एचबी टीवी युवा, क्योंकि ज़माना है विदा यंगस्टर्स का एंड यू आर वाचिंग आर स्पेशल सेगमेंट ऑन फ्रेंडशिप डे। अ गुड फ्रेंड हार्डर टू फाइंड, हार्डर टू लिव एंड इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे सेगमेंट में हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ दोस्तों से। कुछ दोस्त होते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो साथ में हैंग आउट करते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो सिर्फ साथ में मस्ती करते हैं, पर कुछ दोस्त होते हैं जो साथ में काम भी करते हैं। दोस्तों ऐसे में मेरे साथ है पारस और कृतिका। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप दोनों की फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली वी यूज़ टू बी इन, वी मेट इन स्कूल फर्स्ट, वी आर बोथ आर स्पोर्ट्स पर्सन, सो वी यूज़ टू मीट इन जगत सिंह्स एंड ऑल दोस, एंड लेटर ऑन वी मेट in a school's party, it was kind of reunion. So, uske baad I got to know that he's also doing a business, and I used to be in Oberoi's, and I got to know that he's a damn good photographer. So, in foreigners ko na ye cheez bahut pasand hai ki wo Indian rituals mein kapde pehante hain, and then they get photographs done. So, fir uske baad hum chalu hue as a photography, fir choreography, aur fir to business saath mein hai, ye aap dekh rahe hain. यार ये सब तो बहुत लंबी बात हो गई, पर कब लगा कि यार हम दोनों बेस्ट बडीज हैं? हमें को 2-3 साल हो गए, एंड वी वर लाइक, कुछ भी मेरे को कोई काम होता था, आई यूज़ टू कॉल कृतिका, कृतिका यार क्या करना है, कैसे करना है, एंड कृतिका ऑल्सो लाइक, कभी भी इसको काम होता था कॉल मुझे करना कि पारस ये काम कैसे करना है, वो काम कैसे करना है, आई नीड यू इन ओबरॉय फॉर द फोटोग्राफी पार्ट, फॉर द कोरियोग्राफी पार्ट. तो आई वॉज लाइक ओके लेट्स गो, ओके देन लेट्स गो. इवन दो ओबरॉय की जो पार्टीज़ होती थी वो भी मैं ही ऑर्गेनाइज कराता था, तो उससे रिलेटेड हमारी फ्रेंडशिप धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और फिर आज हम एक पॉइंट पे यह आया जब मुझे ऐसा लगा कि कृतिका वाई डोंट वी स्टार्ट टुगेदर, हम दोनों साथ में मिलके कुछ सेटअप करें और साथ में मिलके हम लोग कुछ बिजनेस आगे करें. देन वी स्टार्ट, वी प्लान्ड, and now we are running a cafe and an event company. दोस्त होते ही वो हैं जो एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम शेयर करें, अपनी हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करें. अब मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि दोनों की ऐसी कोई मेमोरी जो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो. स्पेशल मेमोरी एज सच इज, देयर वाज अ टाइम इन ओबरॉयज दैट आई गॉट स्टक विद समथिंग, एंड आई वाज लाइक अब देर इज़ नोबडी हु कैन टेक मी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड आई कॉल्ड अप पारस एंड ही वॉज ऑल्सो इन मिडल ऑफ समथिंग, एंड ही इज़ लाइक चल तू फंसी है ना, तेरे लिए तो आ जाऊँगा. तो दैट्स लाइक यार एक ऐसी चीज़ जहाँ मैं कोई ऑप्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वहाँ इन्होंने मेरी हेल्प करी. तो दैट इज़ वेयर ही केम एंड ही जो भी, बिकॉज द पार्टी विच वॉज देयर वॉज टोटली पिस्ड ऑफ with this thing, but then he came and he helped me out and everything got well. That's how when we realized ki yaar hum buddies to acche hain hi, ek dusre ki baat aaram se samajh jate hain, but usko hum ek professional career mein bhi bana sakte hain, tab maine realize kiya ki chal ab kuch saath mein karne ki koshish karte hain. So that's how it goes. Hum dikkat mein ho na doston to sabse pehle hame hamare doston ki yaad aati hai. Bilkul correct baat hai. To Paras mujhe ye batao ki tum bhi jab किसी प्रॉब्लम में हो तो सबसे पहले किसकी याद आती है तुम्हें? एज सच करंट सिचुएशंस में मेरे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं, आई यूज टू कॉल कृतिका ओनली. कृतिका ये प्रॉब्लम है, हैंडल इट. कृतिका ये प्रॉब्लम है, हैंडल इट. इवन दो व्हेन आई रिसेंटली मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था, लास्ट ईयर मैं बैंगलोर से वापस यहाँ आया, एंड आई प्लान्ड अप कि मुझे ना कोई मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टीम. तो टीम नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है. कृतिका यू एंड मी आर द टीम, टीम की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई एंड वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर. तो यही चीज़ एक होती है कि हाँ, उस तब से लेकर अब तक हम दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं, साथ में हमने हमारा सेटअप तैयार किया है. आर्टिस्टिक है तो इसकी आर्टिस्टिक सोच बहुत अच्छी जाती है, तो जहाँ आर्टिस्टिक फील्ड से कुछ रिलेटेड है, जहाँ कुछ क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है, उस एरिया को ये फिल कर लेता है, और जहाँ पे ऐसा है कि प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है या कुछ ऐसी ज़रूरत है, जहाँ इसकी टांग थोड़ी कच्ची पड़ती है वहाँ मैं आ जाती हूँ, जहाँ मेरी कच्ची पड़ती है वहाँ ये आ जाता है, तो एक बैलेंस रहता है.
बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो एक दूसरे को इतना समझ पाते हैं। सिर्फ मस्ती मजाक ही दोस्ती नहीं होती है, दोस्ती का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है और अगर हमें नीड है अपने फ्रेंड की, तो वो सबसे पहले हमारे लिए स्टैंड करे। अच्छा, एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगी कि दोनों के माइंड में कब क्लिक किया कि यार बहुत हुआ, चल साथ में कुछ करते हैं। एक्चुअली एक दिन ऐसा था जब मैं मेरी शिफ्ट से ना बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बहुत थक चुकी थी। मैंने पापा को बोला कि पापा यार मेरे को ना छोड़नी है, अब नहीं होता मेरे से। और आई सॉ कि ये इसका भी मूड ऑफ था कि यार हो गया अब ऐसा, क्योंकि जितना एफर्ट्स अपन डाल रहे हैं उसका आउटपुट एक फिक्स है, वही आ रहा है। तो ही यूज़ टू टेल मी कि यार छोड़ उसे, लेट्स, ही वॉज ऑलरेडी डूइंग बिजनेस सिंस ऑलमोस्ट लाइक 5 ईयर्स, अच्छा खासा कमा रहा था। इसने मुझे बोला तो इतनी मेहनत कर दी है, क्या करेगी इतनी मेहनत करके, ऐसा करते हैं अपन साथ में कुछ स्टार्ट करते हैं। मैंने भी पापा को बोला तो पापा भी मान गए थे, ही इज़ लाइक चलो ठीक है लेट्स बिगिन, पर कैसे करें, मतलब तू होटेलियर प्रोफेशनल हार्डकोर, मैं एक आर्टिस्टिक बंदा, मेरे दिमाग में प्रोफेशन का पी भी नहीं है। तो उसने कहा तो इसी को बेनिफिट पॉइंट बनाते हैं, इवेंट कंपनी में यू नीड प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट वर्क एंड यू नीड लाइजनिंग व्हेन इट कम्स टू वेडिंग्स एंड ऑल। तो वहाँ इसने मास्टर किया, जहाँ थोड़ा मैंने पकड़ा एंड फिर ट्रेन चलती गई और अब अच्छी खासी दौड़ रही है। अच्छा चलो, ये तो सारी बात हो गई काम से रिलेटेड। अब ये बताओ कि एक दूसरे के साथ जब बात आती है दोस्तों की, तो मजाक मस्ती बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक नंबर का डीट है, कुछ भी नहीं सुनता। मस्ती मारने में हम दोनों बहुत अच्छे हैं, पार्टी एनिमल्स हैं, लाइक ज़्यादातर हम पार्टी साथ में ही करते हैं। इसको डांस एज यूजुअल, कोरियोग्राफर शामक दावर का भक्त है ये, तो डांस तो ये फैबुलस करता ही है, फिर पार्टीज, डांस, म्यूज़िक और कैफ़े, तो बेस्ट एक अच्छा सा सम अप बन जाता है हमारे बीच में, तो मस्ती तो बहुत होती है। कोरियोग्राफर हो तो कभी अपनी फ्रेंड को सिखाया कोई डांस? नहीं, हज़ार बार बोल दिया, कभी नहीं सिखाया है। कभी भी नहीं सिखाया, तो हज़ार लोगों को सिखा देगा कोरियोग्राफी में सबको। मतलब इसने 5 साल के बच्चे से, जहाँ तक मुझे याद है, 5 साल के बच्चे से लेकर और 65-70 ईयर्स ओल्ड के बूढ़े बूढ़े लोग जो अपनी लाइक 50s मना रहे होते हैं, उनको भी सिखाया। बट मैंने इसको हज़ार बार बोला मुझे सिखा दे, कभी नहीं सिखाता। बोले तू नहीं सीख सकती, फिर से नहीं होगा। शी इज़ अ वेरी गुड डांसर ऑलरेडी, तो वहाँ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वैसे ही बहुत अच्छी डांसर है। अच्छा, तो दोनों की क्या सोच है अपने फ्यूचर को लेकर, कहाँ तक आप जाना चाहते हो? आई तो लाइक मैं तो इसके मॉम डैड से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके जयपुर में ही शादी करना, ताकि हम लोग कंटिन्यूसली हमारे वर्किंग को और आगे तक बढ़ा सकें। बिकॉज एक तो होता है कि हाँ फ्रेंड्स हैं, बट फ्यूचर लाइफ अगर होता है तो जनरली हम ये देखते हैं कि यार एक यू नो आप मैं कहीं और थोड़े दिन टाइम बाद, ये कहीं थोड़े टाइम बाद कहीं और, तो आई डोंट वांट दैट। आई तो वांट, तो अंकल आंटी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी जयपुर में शादी करना, सो दैट अभी कैफे पे एक प्लस है और हम चाहते हैं कि ये प्लस बढ़ते रहे, एक मालवीय नगर में, एक बनी पार्क में, एक सी स्कीम में, और ये बढ़ते प्लस 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 होता रहे, दैट्स थॉट। चलो, हम तो आप लोगों को यही विश करेंगे कि आपके प्लस बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सिर्फ फ्रेंड्स मस्ती मजाक के लिए नहीं होते, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो हमारा मतलब सारा काम देखते हैं, हमारे साथ लाइफ टाइम रहते हैं और हमारे लिए स्टैंड लेते हैं। दोस्तों, इस फ्रेंडशिप से अपने फ्रेंड को फील करवाएं वो कितने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वेल फ्रेंड्स, आज के हमारे शो में बस इतना ही। वंस अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे।